भारत ने T20 में हासिल की सबसे बड़ी जीत, हार्दिक की कप्तानी लगातार चौथी सीरीज जीती, शुभमन का शतक। भारत ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी लगातार चौथी T20 सीरीज जीत ली है। उसने न्यूजीलैंड को 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 168 रन से हरा दिया। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 234 रन बनाए। शुभमन गिल ने 63 गेंद पर नाबाद 126 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 12 ओवर एक बॉल में 66 रनों पर ही सिमट गई। T20 इतिहास में टीम इंडिया की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने 2018 में आयरलैंड को 148 रन से हराया था। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की T20 इतिहास में यह सबसे बड़ी हार है। इससे पहले पाकिस्तान ने उसे 2010 में 103 रन से हराया था। हार्दिक की कप्तानी में पिछले साल टीम इंडिया ने आयरलैंड और न्यूजीलैंड को हराया था। वहीं इस साल श्रीलंका के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत ली। भारत के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए और उन्होंने 63 गेंद पर नाबाद 126 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ दो ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। डेरिल मिचेल ने 35 रन और कप्तान मिशेल सैंटनर ने 13 रन बनाए। भारत के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी ने 2-2 विकेट लिए।